दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 3 ब्लेड वाले फैन और 4 ब्लेड वाले फैन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है और कौन सा फैन कहाँ यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि 3 ब्लेड वाले फैन और 4 ब्लेड वाले फैन में क्या डिफरेंस है और कौन सा फैन किस जगह यूज किया जाता है और दोनों फैंस में से कौन सा फैन ज्यादा अच्छा चलता है या ज्यादा अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल लाइनमैन। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले 3 ब्लेड वाले फैन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हमें इंडिया में अधिकतर 3 ब्लेड वाले फैन ही देखने को मिलते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ही जगहों पर 4 ब्लेड वाले फैन यूज किए जाते हैं। 4 ब्लेड वाले फैन का यूज मोस्टली US और अन्य कंट्रीज में किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा इन फैन में क्या डिफरेंस है जो कि इंडिया में हम 3 ब्लेड वाले फैन का यूज करते हैं और बाहर की कंट्री में 4 ब्लेड वाले फैन का यूज किया जाता है। दोस्तों इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है, हमारे फैन के जो RPM होते हैं दोस्तों, यानी कि हम जो इंडिया में 3 ब्लेड वाले फैन यूज करते हैं उनका जो RPM होता है वह 350 से 400 तक होता है दोस्तों, जबकि अदर कंट्री में जो 4 ब्लेड वाले फैन यूज होते हैं उनका जो RPM होता है वह 300 से 360 RPM के होते हैं। दोस्तों 3 ब्लेड वाला फैन ज्यादा RPM पर घूमता है और जो 4 ब्लेड वाला फैन होता है वह कम RPM पर घूमता है। दोस्तों अगर हम 3 ब्लेड वाले फैन के एक और एक्स्ट्रा ब्लेड लगा देते हैं तो हमारे फैन पर लोड अधिक बढ़ जाएगा और उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जो ब्लेड होते हैं वह लोड की तरह ही कार्य करते हैं दोस्तों, इसीलिए 4 ब्लेड वाले फैन की स्पीड 3 ब्लेड वाले फैन से कम होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों दूसरा एक और डिफरेंस होता है जो कि इसके यूजेज के आधार पर होता है, क्योंकि हम 4 ब्लेड वाले फैन का यूज उस जगह करते हैं जहां पर AC लगा होता है दोस्तों, यानी कि जहां पर एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है उन जगहों पर 4 ब्लेड वाले फैन का यूज किया जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि AC और 4 ब्लेड वाले फैन में आपस में क्या कॉन्टेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इनका कॉन्टेक्ट आपस में है दोस्तों, आइए देखते हैं। 4 ब्लेड वाले फैन का यूज AC वाले रूम में इसलिए किया जाता है ताकि ये ठंडी हवा को चारों साइड तक फैला सके, यानी कि एक जगह जो एयर इकट्ठी रहती है उसे चारों साइड फैला सके, इसीलिए इसके RPM कम होते हैं दोस्तों। इसका यूज तेज हवा के लिए नहीं किया जाता बल्कि इसका यूज रूम के अंदर हवा को फैलाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इस फैन की स्पीड कम रखी जाती है दोस्तों। लेकिन अगर हम 3 ब्लेड वाले फैन की बात करें तो इसके RPM अधिक होते हैं और इसके RPM अधिक होने के कारण इनका उपयोग हम तेज हवा के लिए करते हैं ताकि जब भी हमें पसीना आए तो हमारा पसीना सूख जाए और हमें गर्मी ना लगे। इनकी स्पीड 4 ब्लेड वाले फैन से अधिक होती है दोस्तों, जबकि 4 ब्लेड वाले फैन का यूज ये नहीं होता है दोस्तों, वह सिर्फ एयर को फैलाने का काम करता है। ये फैन आपको तेज स्पीड में कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसका मुख्य काम यही होता है एयर को रूम के अंदर सर्कुलेट करने का होता है, ना कि तेज हवा देने का। इसके अलावा इसमें एक तीसरा डिफरेंस भी होता है दोस्तों। तीसरा डिफरेंस यह है दोस्तों कि हमारे फैन में जितने कम ब्लेड होते हैं तो हमारा फैन उतनी अधिक तेजी से आवाज करता है, और फैन में जितने अधिक ब्लेड होंगे वह उतनी ही कम आवाज करेगा दोस्तों, क्योंकि फैन के अंदर कम ब्लेड होने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वह तेजी से आवाज करने लगता है, जबकि ब्लेड्स की संख्या अधिक होने पर उसकी स्पीड कम हो जाती है और वह आवाज बहुत कम करता है। दोस्तों मार्केट में 2 ब्लेड्स, 3 ब्लेड्स, 4 ब्लेड्स, 5 ब्लेड्स और 6 ब्लेड्स के फैन भी उपलब्ध होते हैं दोस्तों। ये जो 2 ब्लेड वाला फैन होता है, एक तो यह शोर बहुत करता है, दूसरा दोस्तों यह दिखने में भी सुंदर नहीं लगता। अगर हम 3 ब्लेड वाले फैन को देखें तो इसकी आवाज भी बहुत कम हो जाती है, और 4 ब्लेड, 5 ब्लेड और जो 6 ब्लेड के जो फैन होते हैं उनकी आवाज और भी बहुत कम हो जाती है दोस्तों, यानी कि वो 3 ब्लेड वाले फैन से भी कम शोर उत्पन्न करते हैं दोस्तों। ये जो हमारे 3 ब्लेड, 4 ब्लेड, 5 ब्लेड और 6 ब्लेड वाले जो फैन है देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफी सुंदर होते हैं दोस्तों ये फैन। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जो हमारा 4 ब्लेड वाला जो फैन होता है इसका काम तेज हवा देना नहीं होता, इसका मुख्य काम हवा को फैलाना ही होता है। दोस्तों इंडिया में 4 ब्लेड वाले फैन का यूज क्यों नहीं किया जाता और विदेशों में 3 ब्लेड वाले फैन का यूज क्यों नहीं किया जाता, आइए देख लेते हैं। 4 ब्लेड वाले फैन का यूज US और अन्य कंट्री में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां की जो जलवायु होती है वह ठंडी होती है, इसीलिए जो 4 ब्लेड वाला फैन है वह तेजी से हवा देने के लिए काम में नहीं लिया जाता। वहां की जलवायु ठंडी होने के कारण 4 ब्लेड वाले फैन का उपयोग सिर्फ हवा को फैलाने के लिए ही किया जाता है, जबकि इंडिया की जलवायु बहुत अधिक गर्म होती है और यहाँ गर्मी बहुत अधिक रहती है, इसीलिए हमें तेज हवा वाले पंखे की जरूरत होती है दोस्तों, इसीलिए इंडिया में 3 ब्लेड वाले फैन का उपयोग किया जाता है, ना कि 4 ब्लेड वाले फैन का उपयोग किया जाता है।
दोस्तों आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि इन दोनों फैंस की मोटर्स में कोई अंतर होता है या दोनों की मोटर एक ही होती है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों फैंस की मोटर एक जैसी ही होती है। दोस्तों सीलिंग फैंस में जो अधिकतर मोटर प्रयोग करते हैं वो सभी मोटर्स सेम ही होती हैं। वो होती है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तीन ब्लेड वाले फैन और चार ब्लेड वाले फैन की मोटर में दोस्तों कोई भी अंतर नहीं होता, वो दोनों सेम ही होती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों इन दोनों फैंस में लगभग यही अंतर होते हैं दोस्तों, इसके अलावा इन दोनों फैंस में कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।